हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप बहुत दिनों के बाद हम फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे खाद के लाइसेंस की, कि किस प्रकार हम एक नया खाद का लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा वन बाय वन। कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। बहुत से युवा BSc AG किए हुए हैं और वो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है। आप खाद का लाइसेंस बनवा लीजिए। तो बहुत से लोग अब ये पूछेंगे, क्या केवल खाद के लाइसेंस के लिए केवल BSc AG करने वाला व्यक्ति ही लाइसेंस बनवा सकता है? तो हम कहेंगे नहीं। इसके लिए BSc केमिस्ट्री अगर कोई छात्र या कोई व्यक्ति है तो BSc केमिस्ट्री, BSc AG इन दोनों में से कोई भी योग्यता है तब वो छात्र लाइसेंस बनवा सकता है। जी हाँ, ये बात क्लियर हो गई। कितनी योग्यता? तो ग्रेजुएशन योग्यता आपको पता हो गई। उसके बाद आता है लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो बीज के लाइसेंस होते हैं, खाद के जो लाइसेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो खाद के लाइसेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक फर्टिलाइज़र, नंबर दो पेस्टिसाइड, और नंबर तीन जो आपका तीसरा आता है वो होता है बीज का लाइसेंस। तो तीन प्रकार के लाइसेंस बनते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें कितनी फ़ीस आएगी? तो लगभग 4,000 के आसपास आपकी सरकारी फ़ीस आती है। लगभग मैं बता रहे हैं 4,000 के आसपास आपकी सरकारी फ़ीस आती है। और अलग अलग राज्यों की अलग अलग फ़ीस हो सकती है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अब आप पूछेंगे कितने समय में आपका जो लाइसेंस है वो बन जाएगा? तो आपका लाइसेंस जो है लगभग 10 से 15 दिन के आसपास आपका लाइसेंस बन जाएगा और आप एक नए शॉप खोल सकते हैं। लाइसेंस में और क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट? तो एक दुकान का नक्शा चाहिए, दुकान लोकेशन चाहिए, और यदि आपके नाम है तो ठीक है, अगर दूसरे का नाम है तो, अगर किराए पर है तो किरायानामा उसमें लगेगा और कई कागजात लगेंगे। तब आप जाके एक दुकान खाद का लाइसेंस की दुकान खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम अपने वेबसाइट का लिंक देते हैं दे रहे हैं। उसमें आप उसका नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कोई भी समस्या हो तो उसको पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस के रास्ता को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।